ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धूमल परिवार के दूसरे बेटे के बीसीसीआई में जगह बनाने से हिमाचल भी सुर्खियों में है। पहाड़ी राज्य के लिए गर्व की बात है कि पहले अनुराग ठाकुर व अब उनके अनुज अरुण धूमल बीसीसीआई में रहकर हिमाचल की शान बढ़ाएंगे। धूमल परिवार के दूसरे बेटे के बीसीसीआई में जगह बनाने से हिमाचल भी सुर्खियों में है। पहाड़ी राज्य के लिए गर्व की बात है कि पहले अनुराग ठाकुर व अब उनके अनुज अरुण धूमल बीसीसीआई में रहकर हिमाचल प्रदेश की शान बढ़ाएंगे। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट बिखेरने वाले अरुण का यूं तो बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनना बीती 14 अक्टूबर को ही तय हो गया था, क्योंकि अंतिम दिन उनके अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। खैर, इसकी आधिकारिक घोषणा आज हुई है। अरुण इससे पहले सितंबर में ही हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के छोटे बेटे और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल की एजुकेशन पंजाब में हुई है। दयानंद मॉडल पब्लिक स्कूल जलंधर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने जलंधर से ही इंजीनियरिंग की व बाद में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एमबीए की है। इंजीनियरिंग के दौरान वे कॉलेज टीम के कप्तान भी रहे हैं। वे जलंधर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक भी हैं। वर्तमान में अरुण धूमल एचपीसीए के अध्यक्ष हैं। पहले वे हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की अंतरिम कमेटी के सदस्य थे। एचपीसीए की अंतरिम कमेटी के सदस्य होने से पूर्व वे जिला खेल संघ हमीरपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं।